हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर्स मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही पुराने वीडियोस हैं, मैंने बहुत पहले अपलोड किए हैं। अब जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये विथ अमेंडमेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पार्ट 1। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों ये एक्ट आया एंड ये एक्ट सबसे पहले कब आया था, किसने रिकमेंड किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड या और भी चैप्टर्स रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग अपनी मेल आईडी डायरेक्टली मुझे कमेंट करें। ओके, तो आइए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सबसे पहले 1920 में केजीआर चौधरी नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने एक बोर्ड सेटअप किया था मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए कि हर इंडस्ट्री का एक मिनिमम वेजेस होगा। तो ये 1920 में सबसे फर्स्ट प्रपोजल आया था केजीआर चौधरी के द्वारा। ओके, देन बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारे प्रपोजल्स रखे, सब करते करते एट लास्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आया था। अब हम देखते हैं इस एक्ट के आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस एक्ट को आने के पीछे ऑब्जेक्टिव था लेबर वेलफेयर। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के आने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो है लेबर वेलफेयर, लेबर लोगों के हित के बारे में सोचना। कैसे हम लेबर के हित के बारे में सोच सकते हैं? उन्हें टाइम पे वेजेस देके, ओके, उनका जो लिमिट है वेजेस का एक फिक्स रखे कि इससे कम वेजेस उन लोगों को कोई भी इंडस्ट्री नहीं देगी उस सिटी में। ओके, सिटी वाइज वेजेस डिटरमाइन करना, यही काम है मिनिमम वेजेस एक्ट का। एंड इन सब के लिए चाहिए एपीजी। मैंने पूरे पार्ट में एपीजी लिख के रखा है जिसका फुल फॉर्म है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंटर प्लस स्टेट मिक्स होके हो सकते हैं। तो एपीजी जो होंगे वो रेट को फिक्स करेंगे, ओके, कि किस शहर में कितना मिनिमम वेजेस का लिमिट होना चाहिए। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक है एडल्ट एडल्सेंट चाइल्ड एंड यंग पर्सन। आप लोग देखते होंगे एग्जाम में हर बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। एडल्ट का मतलब होता है वो जिसने पूरे 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए हो। ओके, एडल्ट का मतलब है जिसने पूरे 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए हो। एडल्सेंट का मतलब हो गया जिसने 15 कंप्लीट कर लिया हो बट अभी तक 18 कंप्लीट नहीं किया हो। एडल्ट में पूरे 18 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 18 प्लस को अब एडल्ट कहेंगे। एडल्सेंट का मतलब हो गया जिसने 15 कंप्लीट किया हो बट 18 कंप्लीट नहीं किया हो। चाइल्ड का मतलब जिसने अभी तक 15 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है, मतलब 15 से छोटे 14 तक को हम चाइल्ड कहेंगे। यंग पर्सन का मतलब हो गया चाइल्ड प्लस अडॉल्ट, मतलब जो चाइल्ड हो या फिर अडोल्सेंट हो, इन दोनों को हम यंग पर्सन बोल सकते हैं। मतलब जो एडल्ट से छोटे रहेंगे उन्हें हम यंग पर्सन कहेंगे। अब है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, पोर्ट, कॉरपोरेशन, ये सब जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। मतलब इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है वो लेंगे। एंड इन सब को छोड़ के जो भी बाकी बचे वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो सबका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी। ये था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 सबसेक्शन बी में। फिर है कंपीटेंट अथॉरिटी जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में है। अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको वो चीज बताना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में, मतलब जो भी ऑफिशियल न्यूज़पेपर होगी वहां पे ये न्यूज देना पड़ेगा, ओके, कि वो अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है। एंड उस अथॉरिटी का काम रहेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ नीचे। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने का काम होता है, ये काम होता है कंपिटेंट अथॉरिटी का, 2 सबसेक्शन सी में बताया गया है। एंड इनको अपॉइंट करती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2 सबसेक्शन डी
अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू सस्टेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब हर स्टेट में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, मतलब हर स्टेट में सर्वाइव करने के लिए कुछ अमाउंट मनी जो है वो लगता है. ओके इसी को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहेंगे, मतलब एक सिटी दूसरे सिटी से कितनी एक्सपेंसिव है ये निकालना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है. ओके हर स्टेट का जो वेजेस होता है वो सेम रेट पे नहीं होता है, क्योंकि हर स्टेट सेम एक्सपेंसिव नहीं होता है. कुछ स्टेट में कम में भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है. तो इसी को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहेंगे कि एक शहर में रहने के लिए कितने मनी की, मिनिमम मनी की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स किया जाता है. अब हम देखेंगे इम्प्लॉयर टू सबसेक्शन ई. इम्प्लॉयर कौन है? तो वो पर्सन जो इम्प्लॉय करता है, जो भी शेड्यूल्ड इम्प्लॉयमेंट है, मतलब जिस भी इम्प्लॉयमेंट के ऊपर मिनिमम वेजेस को रखा गया है उसे हम शेड्यूल्ड इम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं. तो उसमें जो भी पर्सन इम्प्लॉय करता है वो इम्प्लॉयर हुआ. किसी भी फैक्ट्री का मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, सीईओ हो गया, ओके जो शेड्यूल्ड इम्प्लॉयमेंट में आते हैं उन्हें हम इम्प्लॉयर कह सकते हैं टू सबसेक्शन ई में. फिर हमारा नेक्स्ट है वेजेस टू सबसेक्शन एच में. ऑल रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, चाहे वो एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो या एचआरए हो, ओके हाउस रेंट अलाउंस, ये सब वेजेस में इंक्लूडेड है. मिनिमम वेजेस एक्ट में सिर्फ, मिनिमम वेजेस एक्ट का जो वेजेस है, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, मैं जब एमसीक्यूज करवाऊंगी उसमें मैं कराऊंगी क्वेश्चंस. ओके जो भी हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है उसमें वेजेस में इंक्लूड होता है एचआरए. ऑल रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी रेमुनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी हो वो सब एड होता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो. ओके बट डजंट इंक्लूड, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है. तो हाउस अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, मेडिकल, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, लीव ट्रेवल, ग्रेचुइटी एंड जो रीइंबर्समेंट होता है, ये सब इंक्लूड नहीं होता है. क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है वेजेस रिलेटेड, इसको एक बार रीड करना बहुत जरूरी है. आप लोग जो भी मेरे नोट्स लेंगे उसमें मैंने सब कुछ बता के रखा है, ये सब क्वेश्चंस क्या क्या वेजेस में इंक्लूड है नहीं है, वो एक बार पढ़ लेने से ही आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो जाएगी. अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट करिए. ऊपर में मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, 1920 में केजीआर चौधरी जो थे उन्होंने एक बोर्ड सेटअप किया था डेटा माइन करने के लिए मिनिमम वेजेस हर इंडस्ट्री का क्या होगा. ओके तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केजीआर चौधरी सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने 1920 में एक बोर्ड सेटअप किया था. तो फ्रेंड्स ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट का पार्ट वन. ओके पार्ट टू में मैं और भी अमेंडमेंट्स के संग वीडियोस बताऊंगी. अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो अपनी मेल आईडी कमेंट करें, एंड और भी नई वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे जो भी न्यू वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाए. एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक यू.